हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आईपीसी से रिलेटेड। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने ये कोशिश की है कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझाने की भी कोशिश की है इसी वीडियो के थ्रू। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो आपको अपने इमोशंस साइड रखने हैं और आपको कोशिश करनी है कि आप प्रिंसिपल जो दिया हुआ हो उसी को ही फैक्ट्स पे अप्लाई करें और अपने आप से अपनी नॉलेज को यूज करते हुए नहीं करें, जबकि खाली प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई करते हुए जो आपको लगता है कि सही डिसीजन होगा, सही आंसर हो सकता है, उसी को मार्क करें, इमोशंस में ना बहें। गलती सबसे ज्यादा तभी होती है जब हमने इमोशंस इन्वॉल्व कर देते हैं इन क्वेश्चंस में। और दूसरी बात कि अभी शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको लगेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो मैं जरूर अब रेगुलरली ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है उस क्वेश्चन का कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी में आता है, जिसमें आप दूसरे को इंजरी कॉज कर सकते हैं, बॉडीली इंजरी कॉज कर सकते हैं दूसरे बंदे पर, अगर आपको लगता है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी पर या अपनी बॉडी पर या किसी और की प्रॉपर्टी या बॉडी पर कोई थ्रेट है उसके एक्शन से। तो अगर कोई बंदा आपको मारने आ रहा है और आपको लगता है कि आपको अपने आप को बचाना है तो आप उसे हिट कर सकते हैं आपको, या फिर ये लगे कि वो आपकी प्रॉपर्टी लेके भाग रहा है, जैसे कोई चोर लेके आपकी प्रॉपर्टी भाग रहा है, तो आप टांग अड़ा के उसे गिरा सकते हैं। ये सब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आते हैं और उसके अगेंस्ट आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो ये है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो कि आईपीसी के जनरल सेक्शन में कवर होता है। और प्रिंसिपल भी यही कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करते हुए आप कुछ भी करते हैं तो ऑफेंस नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, फैक्ट्स है कि केशव टेल्स भीम जस्ट वेट अंटिल नेक्स्ट वीक, आई विल ब्रिंग अ स्टिक फ्रॉम माय होम एंड बीट यू। तो केशव ने भीम को कहा कि भाई तू रुक, अगले हफ्ते मैं आऊंगा और तुझे मारूंगा एक स्टिक से। तो उसी दौरान क्या होता है कि अगले दिन ही भीम जो होता है, जिसको धमकी मिली होती है, वो रॉड लेके उसके पास पहुंच जाता है और केशव को मारता है। और उसी की वजह से, उसके मारने की वजह से भीम इज अरेस्टेड, भीम को अरेस्ट ले जाता है। पर भीम क्या डिफेंस लेता है, भीम क्लेम्स दैट ही वॉज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। भीम कहता है कि नहीं भाई, मैं तो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर रहा था, जैसे कि इसने मुझे धमकी दी थी मारने की, तो अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसको अगले दिन जाके रॉड से मारा। तो दोस्तों, क्या वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भीम कांट क्लेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज देयर वॉज अ मेयर थ्रेट ऑफ ऑफेंस बाय केशव विच इज फार फेस्ड एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आपको खाली धमकी दी गई है, अभी आपके ऊपर इमिनेंट थ्रेट नहीं है। अगर ये होता कि वो उसके सामने स्टिक लेके खड़ा ही होता और उसको बस मारने वाला होता, तो तब वो ऑफकोर्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता था। पर अभी कोई इमिनेंट थ्रेट या इमिनेंट डेंजर नहीं था, इंस्टेंट डेंजर या इंस्टेंट थ्रेट नहीं थी कि उसके ऊपर इंजरी होने वाली है, तो इस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब थ्रेट हो इंजरी की इमिनेंट, इंस्टेंट, कि आपको लगे कि एकदम से आपके ऊपर अटैक होने वाला है। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद किसी ने धमकी दी कि मैं 10 दिन बाद तुझे मारूंगा और आप जाएं उसके घर पे और उसे मारने लगे। तो ये बात याद रखिएगा और प्रिंसिपल को फैक्ट पे अप्लाई करिएगा अपने इमोशंस को बाहर रखते हुए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज भीम कांट क्लेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज द थ्रेट वॉज नॉट इमिनेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंसिपल है कि अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम इज ऑल्सो क्राइम पनिशेबल बाय टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट हाफ एज लॉन्ग एज द पनिशमेंट फॉर द क्राइम इटसेल्फ। इट इज इंटेंशनल प्रिपरेटरी एक्शन विच फेल्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द इंटरवीनिंग सर्कमस्टांसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन हू सीक्स हिज अकम्प्लिशमेंट। मेयर प्रिपरेशन इज नॉट अ क्राइम। तो दोस्तों, तीन चीजें होती हैं, एक होती है प्रिपरेशन, एक होता है अटेम्प्ट, और एक होता है जब आप उस अटेम्प्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर होता है कमीशन। तो प्रिपरेशन क्या होती है, प्रिपरेशन को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये मानिए कि आपको एक बंदे को गोली मारनी है, आपने सोचा कि अगले दिन मैं उसका मर्डर करूंगा बाई शूटिंग हिम। तो आज आपने आप गए और गोली लेके आपने रख ली है अपने पास, तो अभी आपने खाली प्रिपरेशन की है, अभी आपने ना अटेम्प्ट किया है ना कमीशन किया है ऑफेंस का। पर अटेम्प्ट आप कब करते, जब आप उसके पीछे पीछे जाएं और उसकी तरफ एम करने लगे उसी गन को, तो अभी आ गए अटेम्प्ट में। अब आपने अटेम्प्ट किया है ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम, और जब आप गोली मार देते और उसको लग जाती तो कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है। और अटेम्प्ट टू क्राइम जो होता है उसमें दोस्तों आधी पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि अगर बाय चांस मर्डर के लिए पनिशमेंट आप सपोज करिए 7 साल होती,
तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट टू कमिट अ मर्डर, तो उसके लिए आपको 3.5 साल की सजा दी जाती है, 7 साल की नहीं दी जाती है। और प्रिपरेशन को क्राइम नहीं माना जाता है। अगर खाली आपने गन लाके रखी है तो बाकी चीजों में आप ऑफकोर्स पनिश किए जा सकते हैं, जैसे टाटा और बाकी चीजों में, पर आप मर्डर के लिए पनिश नहीं किए जाएंगे। ये नहीं बोला जाएगा कि भाई आपने प्रिपेयर किया था मर्डर करने के लिए तो उसके लिए आप पीनलाइज होते हैं। तो प्रिपरेशन इज नॉट अ क्राइम, बट एक्सेप्शन है इसमें। जैसे अगर इफ यू प्रिपेयर टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, अगर आप वॉर के अगर स्टेट के खिलाफ आप वॉर कमिट करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वो पनिशेबल है। अगर आप डेकोइटी, जो कि 5 मेंबर्स होने चाहिए डेकोइटी कमिट करने के लिए, अगर उसके टूवर्ड्स आप कुछ प्रिपरेशन करते हैं तो वो भी क्राइम माना जाता है। तो प्रिपरेशन क्राइम नहीं मानी जाती वैसे, पर उसके एक्सेप्शंस कुछ ऐसे हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। तो इसमें फैक्ट्स क्या है कि राम डिसाइड्स टू बिकम अ हाईवे रॉबर। राम डिसाइड करता है कि भाई मैं रॉबरी करूंगा हाईवे पर। ही डिसाइड्स दैट द बेस्ट वे टू किल पीपल इज बाय चोकिंग देयर थ्रोट बाय लेंथ ऑफ वायर। फायर नहीं, वायर हो गई, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो उसने सोचा कि भाई मेरे को हाईवे पे रॉबरी करनी है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा कि उन लोगों की थ्रोट को चोक कर दिया करूंगा, जिससे कि वो अपना सामान मुझे तुरंत दे दें बाय लेंथ ऑफ वायर। तो उसने क्या किया, उसी पर्पस को एकम्प्लिश करने के लिए वो एक वायर लाया, उसको कॉइल किया, मतलब उसे राउंड अबाउट किया और घर में रख दिया कि कल से देखता हूँ, कल से शायद मैं रॉबरी करना स्टार्ट कर दूंगा हाईवे पे। तो अभी तक अगर आप समझें तो अभी तक खाली प्रिपरेशन हुआ है, अभी उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया ना कमीशन हुआ है ऑफेंस का। खाली एक जिससे कमिट करना है ऑफेंस, उस चीज को लाकर अपने घर में रख लिया है उन्होंने। तो क्या उनको अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी के लिए पनिश किया जा सकता है, ये है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, राम इज नॉट गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट एज ही हैज नॉट डन एनीथिंग टुवर्ड्स द एक्ट इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन के अलावा तो कुछ काम किया ही नहीं गया है। अगर ऐसा होता कि वो हाईवे पे जाके खड़े हो जाते उसी वायर को लेके, और कोई आता कार वाला और अटेम्प्ट करते उसके टुवर्ड्स वो डालने की कोशिश करते उस वायर को, जिससे कि वो अपना जो सामान है डर के उनको दे दे और रॉबरी कमिट हो जाए, तो वो अटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाता। पर इस केस में खाली जिस चीज से रॉबरी होनी है उस चीज को लाकर अपने घर पर रख लिया गया है, तो खाली प्रिपरेशन हुई है, और प्रिपरेशन के लिए कभी भी क्राइम नहीं माना जाता है एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम सर्टेन एक्सेप्शंस। तो इस केस में राम इज नॉट गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट एज ही हैज नॉट डन एनीथिंग टुवर्ड्स द एक्ट अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन। अगला क्वेश्चन है कि मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट अ पर्सन विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ ट्रूथ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट डिफेमेशन वेयर द पर्सन रेपुटेशन इन द सोसाइटी सफर्स। तो डिफेमेशन आप जानते ही होंगे, ये डिफेमेशन टॉर्ट भी होता है और ऑफेंस भी है, मतलब आईपीसी में भी डील किया गया है डिफेमेशन को और टॉर्ट्स में भी। और डिफेमेशन में क्या होता है, जब आप कोई ऐसी स्टेटमेंट बोले जो कि सच ना हो, आप ये बोले कि भाई ये बंदा चोर है, जबकि वो चोर है नहीं, आप 3 लोगों के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये जो दूसरा बंदा है ना ये चोर है आदमी। तो इसमें क्या हुआ, आपने उसकी रेप्यूटेशन को घटाया है इन द राइटफुल थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। आपने उसकी रेप्यूटेशन घटाने की कोशिश की है और कुछ ऐसे इल्जाम्स, ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो कि ट्रूथफुल नहीं है, वो झूठे हैं। तो इसको कहते हैं डिफर्मेशन मोटे मोटे तौर पर। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि मनोज थे, ही वॉज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी, ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर क्राइम ऑफ कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द स्टेट। तो इन्हें प्रोसिक्यूट किया गया था, इनके ऊपर केस चला था, ये इस बेसिस पर कि उन्होंने कॉन्स्पायर किया है अगेंस्ट द स्टेट, इंडिया के खिलाफ ही कॉन्स्पिरसी इन्होंने रची है, उसकी वजह से उनके ऊपर केस चलाया गया। बट जो चार्ज लगाया गया था उसको प्रूव नहीं किया गया बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट एंड ही वॉज एक्विटेड। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जब आप चार्ज प्रूव नहीं कर पाते हैं तो अंडर आईपीसी आपको एक्विट कर दिया जाता है। उनको बोला गया कि भाई इन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि चार्ज प्रूफ नहीं हो पाया। सो व्हेन ही रिटर्न बैक हिज फ्रेंड श्याम हु वॉज अनहैप्पी विद दी स्टेट ऑफ अफेयर्स, श्याम को ये बात पता लगी और श्याम खुश नहीं था, ना खुश था बहुत इन सब बातों से, तो उन्होंने उनको ट्रेटर बोला, बोला भाई ये आदमी गद्दार है। मनोज को बोला कि भाई आदमी गद्दार है इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मतलब बाकी लोग वहां पे खड़े थे उनके सामने उन्होंने बोला कि नहीं जो मनोज है भाई ये तो गद्दार आदमी है। तो मनोज वांट्स टू प्रोसिक्यूट हिम फॉर डिफेमेशन, विल ही सक्सीड, क्या डिफेमेशन के लिए मनोज सक्सीड करेंगे। तो पहला ऑप्शन है यस मनोज विल सक्सीड एज दिस वॉज एन इंजूरियस स्टेटमेंट, कि हाँ मनोज विल सक्सीड क्योंकि जो स्टेटमेंट बोली गई वो उनकी रेपुटेशन को लोअर डाउन करती है। दूसरा ऑप्शन है नो मनोज विल नॉट सक्सीड एज ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंस एंड इट वॉज रीजनेबल फॉर श्याम टू बिलीव इट। और तीसरा ऑप्शन है यस मनोज विल सक्सीड एज हिज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड ही वॉज बीइंग एक्विटेड बाय द कोर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज मनोज विल सक्सीड, क्योंकि आपको एक्विट कर दिया गया है। अगर केस ये होता कि एक्विट नहीं किया गया होता
और उन्हें सजा मिल गई होती है, और फिर ये जो दूसरे भाई साहब हैं शाह वो ये बोलते कि नहीं भाई ये बंदा तो गद्दार है, तो फिर डिफॉर्मेशन नहीं होता। पर इस केस में ये स्टेटमेंट अनट्रू थी, ये सच नहीं था, क्योंकि उनको एक्विट कर दिया गया था बाय द कोर्ट। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिफॉर्मेशन के लिए वो सक्सीड हो सकते हैं अगर उन्हें शाम के खिलाफ डिफॉर्मेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है। और अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा और ऑप्शन सी क्यों होगा। तो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जब भी प्रिंसिपल आप अप्लाई करें फैक्ट्स पे, तो उन ऑप्शंस के टूवर्ड्स आपका रुझान ज्यादा रहना चाहिए जो कि एक्सप्लेन करते हैं उस रीजन को, जो कि प्रिंसिपल से कुछ मिलते जुलते हों। तो दोस्तों जैसे कि ऊपर वाले आप प्रिंसिपल में देखते होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रुथ, अगर ट्रुथफुल नहीं है स्टेटमेंट और आपकी रेपुटेशन को घटाती है तो वो डिफॉर्मेशन है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल से ज्यादा मिलता जुलता जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, और वो ज्यादा एक्सप्लेन करता है आंसर को, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई एक तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी, और क्यों नहीं थी ट्रू, क्योंकि ही वॉज एक्विटेड बाय द कोर्ट। तो हमेशा उन ऑप्शंस को ज्यादा प्रेफरेंस दें आप जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करते हो आपकी बात को, आपके आंसर को अच्छे से एक्सप्लेनेटरी हो वो। तो ये बात भी एक और चीज याद रखिएगा जब भी आप लीगल रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। और वहीं अगर ये केस होता कि वो बाकी लोगों के सामने ये ना बोलते कि भाई तू गद्दार है, पर एक रूम में जाते और अकेले में जाके आराम से बोलते कि भाई तू गद्दार है, तो इस केस में क्या डिफॉर्मेशन होता? इस केस में डिफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट बोली है ये बाकी मेंबर्स के सामने नहीं बोली, बाकी मेंबर्स जो सोसाइटी के हैं उनके सामने उनकी रेपुटेशन नहीं घटाई है, बल्कि उन्हें ही जाके बस बोला। अगर किसी और ने के सामने बोला जाता है बात, तो फिर डिफॉर्मेशन का चार्ज सक्सीड करता है, पर अगर पर्सनली आप जाके बोलेंगे तो तब डिफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि हुसोएवर विद एन इंटेंशन टू कॉज और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू पब्लिक और टू एनी पर्सन कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी और सच चेंज इन द प्रॉपर्टी विच डिमिनिशेज इट्स वैल्यू और यूटिलिटी कमिट्स अ मिसचीफ। तो मिसचीफ भी एक तरीके का ऑफेंस है, और वो क्या होता है कि जब आप इंटेंशनली विलफुली कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि दूसरे की बंदे की प्रॉपर्टी को डैमेज हो, या फिर कुछ आप ऐसा करें जिससे कि उसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो कम हो जाए, तो तब माना जाता है कि आपने मिसचीफ कमिट किया है। तो फैक्ट्स हैं कि राम जॉइंटली ओन्स अ कार विद बिजॉय, राम और बिजॉय दोनों जॉइंटली ओन करते हैं एक कार को, और बिजॉय उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो एक दिन क्या होता है कि फाइट हो जाती है दोनों की ओवर द पोजेशन एंड यूजेज ऑफ कार। ओनर दोनों हैं, पर अब कौन यूज करेगा, किसकी पोजेशन में कार रहेगी, उसको लेकर उनके बीच में विवाद हो जाता है। तो राम को लगता है भाई ये कार ही विवाद की जड़ है, और वो जाके उस कार को पूरा डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ही इज चार्ज विद कमिटिंग मिस्चीफ। अब बिजॉय क्या करते हैं, एज ही वॉज ऑल्सो अ को ओनर, तो वो जाके उनके खिलाफ मिस्चीफ का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देते हैं। तो क्या इस केस में मिस्चीफ माना जाएगा? तो दोस्तों अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो दो ऑप्शन है फिर से, एक है राम इज गिल्टी ऑफ मिस्चीफ, राम इज नॉट गिल्टी, या राम इज गिल्टी एज ही नोइंगली कॉज रॉन्गफुल लॉस टू बिजॉय। चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ कि मिस्चीफ तो इसमें होगा, क्योंकि बिजॉय भी एक ओनर है, और जब दूसरा बंदा भी ओनर हो उस प्रॉपर्टी का और आपने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जिससे कि वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो ऑफ कोर्स अगर आपने वो इंटेंशनली किया है तो मिसचीफ के लिए आप चार्ज हो सकते हैं। पर अब कंफ्यूजन आपको इस बात में आएगी कि क्या खाली हमें ए ऑप्शन मार्क करना चाहिए कि राम इज गिल्टी ऑफ मिसचीफ, या फिर ये करना चाहिए कि राम इज गिल्टी ऑफ मिसचीफ एज ही नोइंगली कॉज रॉन्गफुल लॉस टू बिजॉय। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको वो ऑप्शन चूज करने चाहिए जो आपके आंसर को एक्सप्लेन भी कर रहे हो। तो अगर आप खाली ये बोल दें कि हाँ मिसचीफ के लिए लाइबल है वो, पर जो ऑप्शन सी है वो ये तो बोल ही रहा है कि मिसचीफ के लिए लायबल है, पर वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों। तो क्यों है, बिकॉज ही नोइंगली इंटेंशनली कॉज रॉन्गफुल लॉस टू बिजॉय, क्योंकि बिजॉय भी को ओनर थे उस प्रॉपर्टी के, और जब उन्होंने डैमेज की प्रॉपर्टी तो उन्होंने रॉन्गफुल लॉस, एक लॉस कॉज किया है बिजॉय को। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, और ऑप्शन ए भी ऑल्दो सही है पर ज्यादा बेटर ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि वो उस आंसर को एक्सप्लेन करता है। अगला आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, वो है विद रिगार्ड टू इफ यू कमिट एन ऑफेंस अंडर, मतलब अगर आप शराब पी के कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो प्रिंसिपल है एन एक्ट कमिटेड अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल डज नॉट अमाउंट टू ऑफेंस प्रोवाइडेड इट हैज बीन कंज्यूम्ड विदाउट नॉलेज और विलिंगनेस। विदाउट नॉलेज का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको कुछ ड्रिंक दूं और बोलूं भाई ये ऑरेंज जूस है, और वो पैकेज ड्रिंक है, आपको दिख नहीं रहा है कि वो है क्या, और आप पी जाते हैं उसको, और बाद में आपको नशा हो जाता है, तो इसमें क्या होगा कि आपको नॉलेज नहीं थी कि वो शराब दी गई है, आपको एल्कोहल दिया गया है। और विलिंगनेस क्या है,
कि आपको जबरदस्ती आपके मुंह में डाल के मैं आपको पिला दूं, तो वो अगेंस्ट योर विलिंगनेस हुआ, और विदाउट नॉलेज कब हुआ, जब आपको पता ही ना हो और आप ड्रिंक कर लें। अब फैक्ट्स क्या है कि कविता ने इंसिस्ट किया रोहन को, और टीटो टेलर कौन होते हैं, वो लोग जो एब्सटेन, जिन्होंने कभी भी ड्रिंक नहीं किया होता और जो एब्सटेन करते हैं फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो कविता ने रोहन को इंसिस्ट किया कि भाई तुम ड्रिंक कर लो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पार्टी। अब रोहन भाई साहब क्या करते हैं, बहुत ही भावुक आदमी है, बोलते हैं ठीक है। रोहन एग्रीज एंड कंज्यूम्स एल्कोहल, कहते हैं ठीक है मैं पी लेता हूँ। और जब वो घर जा रहे होते हैं वापस नशे में, तो वो असॉल्ट कर देते हैं एक पेडेस्ट्रियन को, मतलब चलते हुए आदमी को असॉल्ट कमिट कर देते हैं वो। तो क्या राम गिल्टी होंगे फॉर असॉल्ट, क्योंकि जब उन्होंने वो ऑफेंस किया तब तो वो नशे में थे। और तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या इसमें असॉल्ट का चार्ज सक्सीड होगा? तो दोस्तों इस केस में असॉल्ट का चार्ज सक्सीड होगा उनके ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राम ने विलफुली, उनको जबरदस्ती तो नहीं पिलाई गई, उनको बस बोला गया था कि पी लो, और वो ज्यादा भावुक हो गए और फुल बोले कि ठीक है मैं पी लेता हूँ। तो विलिंगली उन्होंने पी है, पहली बात तो ड्रिंक विलिंगली की है, एल्कोहल विलिंगली कंज्यूम किया है, और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें नॉलेज नहीं थी कि जो वो पी रहे हैं वो एल्कोहल है। तो दोस्तों जब भी आप एल्कोहल विलिंगली पीते हैं या आपको पता होता है कि हाँ आप एल्कोहल पी रहे हैं और उसके बाद अगर कुछ आप ऑफेंस करते हैं, तो उस केस में आप उस ऑफेंस के लिए लायबल माने जाते हैं। तो इस केस में यस, एज रोहन वॉलेंटरिली, क्योंकि वॉलेंटरिली किया, जबरदस्ती नहीं पिलाई गई है, कंज्यूम द एल्कोहल विद द फुल नॉलेज ऑफ रिपरकशंस, ही इज लायबल फॉर असॉल्ट। उन्हें पता था कि जो वो पी रहे हैं वो ड्रिंक है, और उनको उसके बाद में नतीजे क्या आ सकते हैं कि नशा रहेगा और वो सही से कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, एक जजमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, सब कुछ उन्हें पता था। तो एज ही हैज वॉलेंटरीली कंज्यूम द एल्कोहल विद फुल नॉलेज ऑफ रिपरकशंस, ही इज लायबल फॉर असॉल्ट, दैट इज ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये छोटी वीडियो थी, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा कि इससे क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर बेनिफिट ही नहीं होगा तो ऐसी वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। वीडियोस बनाने का तभी फायदा है जब आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसका कंटेंट आपको पसंद आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।